अफगानिस्तान के एक के बाद एक शहरों पर कब्जा जमा रहे तालिबान ने कहा कि अफगान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी यहां सुरक्षित हैं। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन का यह बयान तब आया जब दुनिया में अफगान पर तालिबान के कब्जे की चर्चा जोरों पर है। तालिबान के पाकिस्तान आधारित आतंकी समूहों के साथ गहरे संबंधों की बात का जवाब देते हुए सुहेल ने कहा कि यह सारे आरोप निराधार हैं, इनका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों को तालिबान से कोई भी खतरा नहीं है। बताते चले कि कुछ दिनों पहले हिंदुस्तानी पत्रकार दानिश की अफगान और तालिबान के हिंसक झड़प के बीच मौत हो गई थी। अब तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को निशाना नहीं बनाया जाएगा, वह पूरी तरह से सुरक्षित है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि हम भारतीय राजनयिकों और दूतावास को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई खतरा नहीं है। बकौल सुहेल, हमारी एक सामान्य नीति है, हम किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ अफगान धरती का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान में भारत की सहायता से चल रही परियोजनाओं पर तालिबान ने कहा कि हम अफगान के लोगों के लिए किए गए हर कार्य की सराहना करते हैं। उन्होंने जो विकास, निर्माण और आर्थिक समृद्धि में मदद की है, हम उसके आभारी हैं।